नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मोतिहारी जिला चिरैया विधानसभा वर्तमान विधायक श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी ने कोरोना महामारी को लेकर दैनिक लाइव न्यूज 24 संवाददाता से खास बातचीत की। संवाददाता मनोज दास। चिरैया वर्तमान विधायक श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी के पास आए हैं, आइए मैं प्रयास करता हूँ बात करने का। इस कोरोना आपदा में क्या क्या सुविधा हो रही है क्षेत्र के अंदर और क्या क्या चीज़ है, इस पे बात करने के मैं प्रयास करता हूँ विधायक जी से। जी बोला जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ के बिहार की जनता को प्रणाम। बात रही जो यह बात है, जो आज जो पूरे विश्व आज कोरोना से त्रस्त है, इसमें तो सबसे पहले अपने देश के वासी जो लोग भी हैं, राजनेता हो, छोटका नेता हो, बड़का नेता हो, मुखिया जी लोग हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सब लोग इस जंग से लड़ रहे हैं और जनता की कैसे जान बचेगी इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी और वरीय जितने भी लीडर लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं जो इस कोरोना से कैसे निपटा जाए। तो इसके निपटने के उपाय हमारे प्रधानमंत्री लगाए जे इसको लॉकडाउन किए। लॉकडाउन करने का माने हुआ जो हमारे बिहार में बहुत कम मात्रा में एक कोरोना का प्रकोप है, उसको भी हमारी सरकार एकदम लगी हुई है, लगातार संपर्क में है सब लोगों से जे किस तरह इसका उपाय किया जाए। डॉक्टर से लेकर के सब चीज़ की व्यवस्था किया गया है, इसमें लोन का व्यवस्था किया गया है, हर जगह इसकी व्यवस्था है। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है उनको भी हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जो आज प्रदेश में हमारे बिहार के बिहारी मजदूर बहुत लोग कमाने जाते हैं, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार वहाँ भी 1,000 रुपया भेजने की काम कर रही है और उन लोगों को पहुँच रहा है। और यहाँ गांव में जितने भी गरीब हैं जो चिरैया विधानसभा में रह गए हैं, गरीब गुरुआ, उनको मुफ्त में अनाज मुहैया करा रही है। जनधन खाता में 500 रुपया आ रहा है। क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोर से भी 1,000 रुपया आ रहा है। गैस फ्री में दिया जा रहा है, चावल फ्री में दिया जा रहा है, सब चीज़ की व्यवस्था है, कहीं कोई कोताही नहीं बरसा जा रहा है। सब लोग लगे हुए हैं जैसे हर लोगों के नज़दीक पहुँचे, हर सामान सब लोगों को मिले, इसके लिए सरकार व्यवस्था किए हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ जिनकी चश्मा उल्टा हो गया है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है जो इसी में उनको राजनीति याद पड़ रहा है, राजनीति कर रहे हैं। अरे आज का दिन राजनीति करने का नहीं हो, चाहे किसी भी दल के लोग हो, वो सब लोगों को मिल करके हमारी देश कैसे सुरक्षा रहेगी, या भारत वर्ष का दावित बनता है सारे लोगों का, एक एक आदमी का, जो हमारे देश का कल्याण कैसे होगा, हमारी जनता की कल्याण कैसे होगा, वो करने की नियत नहीं है। यहाँ नियत है जो हम इसी में अपना राजनीति कर लें, जो सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे आप चश्मा उतार के देखिए भाई जी, जो सरकार हर डेग पर इंच इंच पर लगाए हुए हैं, सरकार पर प्रशासनिक जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग लगे हुए हैं, एक एक करके दिन रात रोड पर दौड़ा कर रहे हैं, लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। अगर किसी कारण बस आप बाहर निकल रहे हैं तो दूरी बना करके रहना है, उस सब पर ध्यान रखे हुए, फिर भी कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। सच्चाई के तरफ नहीं जाना है, बुराई के तरफ जाना है। कुछ लोगों का यह दिनचार्ज बन गया है जो हम मोदी जी का विरोध करेंगे, नीतीश जी का विरोध करेंगे, तो उनके विचार को हम कैसे बदल सकते हैं। वो बदलने की ताकत जनता में है, जो मोदी जी क्या कर रहे हैं और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो जनता खुद यहाँ बिहार की समझ रही है, जो हमारी सरकार हर जगह हमको मदद मिल रहा है। आज देहात में भी जो प्रदेश नहीं गए हैं, जो गरीब हैं, उनको कार्डधारी लोगों को राशन फ्री में दिया जा रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है। आज के डेट में कौन ऐसे गरीब हैं जिसके पास राशन नहीं पहुँचा है, सब लोग डीलर लोग भी बांट रहे हैं, आराम से सब लोग जाकर के डीलर से अनाज उठाव कर रहे हैं,
खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अनाज सरकार दे रही, खाने के लिए चावल दे रही है और साग सब्जी खरीदने के लिए 1000 रुपया अलग से भी मिल रहा है, यह सब लोगों को खाते में जा रहा है और जा 3 महीना तक जाता रहेगा। जो लोग कुछ लोग वंचित रह गए हैं कार्डधारी से, उसके लिए भी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि भाई जिनका छूट गया है उन सब लोगों का कार्ड जितना जल्दी से जल्दी हो बना दिया जाए, जो बन रहा है अनुमंडल में काम हो रहा है, या जैसे कर्मचारी लोग ऑफिस में आना शुरू कर देगा उस तरह से कार्ड बन करके वितरण भी होता रहेगा, कार्ड बनता रहेगा, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो आप भी तो भाई मनुष्य है, आप भी कुछ कर सकते हैं, करने की शक्ति है तो कीजिए, अगर खाली निंदा करने की शक्ति है तो वो तो दूसरी बात है। एक देहाती कहावत है जो सब लोग कहते हैं, हम लोगों के बुजुर्ग की कहावत है, जो मुर्गी के दूध नहीं होता है लेकिन दाह बहुत होता है, जब बचाएगा ना तो उसको पाँच से छाप लेगा लेकिन उसके पास एक कतरा दूध नहीं होता है जो अपने बच्चे को पिला सके। वही आज के राजनीति करने वाले लोग हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं, खाली उनको माने खराब दिखाई देगा, अच्छा काम उनको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि संकट के घड़ी में हमारे जितने भी बिहारी भाई लोग हैं, हमारे चिड़िया विधानसभा के जितने भी हमारे वोटर भाई लोग हैं, जो गरीब लोग फंसे हुए हैं, सब लोगों से निवेदन मैं करता हूँ कि आप लोग धैर्य रखें, संकट के घड़ी में धैर्य से काम लेना है, धैर्य रखिएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। सरकार आपके 1 इंच आपसे अलग नहीं है, सब लोग हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं छोटे छोटे प्रखंड स्तर के, वो भी लगे हुए हैं हर जगह जाकर के लोगों से मिल करके अपना संवाद कर रहे हैं, कुछ खून से संपर्क हो रहा है कि कहाँ क्या कठिनाई है। कठिनाई है वहाँ SDO साहब को, DM साहब को, BDO साहब को, CO साहब को, डॉक्टर साहब को, जिसकी ज़रूरत हो रहा है वहाँ भिजवाया जा रहा है और उनकी पूर्ति की जा रही है, इसमें कहीं किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। जिसको जो लगता है वो अपना बोले, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है और संकल्पित होकर के काम कर रही है और करते रहेगी। इस कोरोना को हम लोग भगाएंगे, इस देश को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।